हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और अभी हमारे पास है भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसके अंदर आप ये सारी की सारी एसेसरीज देख रहे हो ना, तो वह सारी इंस्टॉल होने वाली है इसके अंदर। एलईडी हेडलैम्प से लेके अपनी एमबीएस लाइट और सारे मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज है भाई। कार डी की इसके अंदर एमबीएस लाइट लगेगी, तो भाई पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन दिखाने वालों क्या क्या इसके अंदर हो रहा है और कितनी तगड़ी लुक निकल के आती है ना भाई ब्रेजा के अंदर, वो अभी इन सारी एसेसरीज लगने के बाद आपको पता चलेगा अच्छे से। तो भाइयों, अभी सबसे पहले ना अपने पास ब्रेजा का पूरा बोनट वोनट खुला हुआ है। आप कह रहे हो कि ये किस लिए खोला है, तो भाई इसके अंदर ना पहले हेलोजन लाइट आती है लेफ्ट साइड पे, देख सकते हो, तो उसको चेंज करके इसके अंदर एलईडी इंस्टॉल करी है। ये देखो भाई, एलईडी लाइट से भाई रात के टाइम पे क्या प्रीमियम थ्रो निकल के आता है। हेलोजन लाइट तो आपकी नॉर्मल थी, जब एलईडी लाइट लग गई ना तो भाई इससे लुक भी इनहेंस होती है और रात के टाइम पे इसकी रोशनी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है देखने में भी। ये देखो, और भाई उसके बाद ना एक इसके ग्रिल पे क्रोम इंस्टॉल करा गया है, जिससे भाई और प्रीमियम वाली लुक आ रही है। देखो ये वाला क्रोम है ना, ये अपनी ग्रिल पे इंस्टॉल हो जाता है और इसके साथ ना भाई एक फॉग लैंप के अराउंड भी क्रोम आता है। ये देखो यहाँ पर भी इंस्टॉल करा है क्रोम, जो कि फॉग लैंप के अराउंड लग जाता है पूरा बढ़िया। और भाई जो इसके अंदर सबसे प्रीमियम चीज़ लगी है ना, वो है इसके ऑटो फोल्डिंग ORVM। ये देखो भाई, लॉक करते हैं तो अपने आप फोल्ड हो जाते हैं और अगर अनलॉक करते हैं तो भाई ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाते हैं। ये देखो, इससे ये होता है भाई आपको ना अंदर से बंद खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और यही से हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम साइड में बात करते हैं तो भाई साइड में अपनी विंडो गार्निश लगाई गई है इसके अंदर, जो कि पूरी अपनी टॉप मॉडल वाली लुक देती है। उसके बाद नीचे की साइड देखोगे तो भाई साइड बिडिंग भी लगा दी इसके अंदर, जो कि ओरिजिनल टॉप मॉडल वाली आती है जेन्युइन एसेसरीज, और फुटरेस्ट भी इंस्टॉल करा गया है भाई इसके अंदर। और अगर भाई इसको पास से देखोगे ना तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाता है आपको, बिल्कुल भी हिलने की तो कोई चांस ही नहीं है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है ये ब्रेजा को। और भाई ये चीज़ आप देख रहे हो ना ब्रेजा के बोनट पे, काफ़ी ही ज़्यादा स्पोर्टी फील देता है ब्रेजा को, रेंज रोवर जैसी लुक बोल सकते हो, थोड़ी थोड़ी ना इससे रेंज रोवर जैसी फील आती है और पियानो फिनिश के अंदर आता है भाई, क्या मस्त चीज़ लगती है देखने में। अब चलते हैं भाई ब्रेजा के इंटीरियर में। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी भाई ब्रेजा की वेलकम प्लेट, जो लाइट वाली है। इसके अंदर भाई दोनों अवेलेबल होती है, विदाउट लाइटिंग भी और लाइटिंग के साथ भी, पर लाइटिंग वाली ना भाई रात के टाइम पे क्या फील देती है, ऐसा लगता है कोई प्रीमियम कार चला रहे हो 70-80 लाख की। और भाई अगर आपको अपनी गाड़ी के अंदर ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं चाहिए तो आप भाई करा सकते हो डैम्पिंग, जो कि इसके अंदर अभी योंकर्स कंपनी की लगने लग रही है। इससे भाई आपकी फील भी तगड़ी आती है और डोर भी हैवी हो जाता है। इसके अंदर बूट में भी हुई है, अपने डोरों में भी हुई है, नहीं तो कोई कोई क्या करता है डोर्स में करवा लेता है खाली पर, लेकिन इसके अंदर बूट वगैरह में भी हुई है और आर्मरेस्ट वगैरह भी लगने लग रहा है, एमबीएस लाइटिंग लगने का लग रही है। तो मतलब ये है कि बिल्कुल बेस टू टॉप बन रही है गाड़ी, यहाँ पर अपना खुला पड़ा भी सारा का सारा सिस्टम, लगने के बाद अच्छे से पता लगेगा। और अब चेकआउट करो भाई ब्रेजा की रेयर लुक, ऐसा लग रहा भाई कितनी तगड़ी गाड़ी चल रही है। इसके अंदर भाई रेयर रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करे गए हैं, जो कि आप देख सकते हो, और इसके बाद इसके अंदर कैमरा और अपनी लाइट वगैरह लगाई गई है। देखो यहाँ पर अपना टॉप मॉडल वाला कैमरा, जो कि असली प्लेसमेंट में आता है, और लाइट। उसके बाद इंटीरियर में इसके अंदर भाई पूरी की पूरी पार्शल ट्रे डाली है, जो कि ब्रेजा के जेन्युइन एसेसरीज आती है मारुति की। ये देख सकते हो यहाँ पर आपको कोड वगैरह भी मिल जाता है जो ओरिजिनल होती है। उसके बाद भाई पीछे से अभी आप देख सकते हो ब्रेजा के अंदर यहाँ पर रस्सी वगैरह भी नहीं आती, तो इसके अंदर नहीं रस्सी भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि नोब बोल सकते हो बेसिकली। डिग्गी खोलते हैं तो साथ के साथ अपनी पार्शल ट्रे भी ऊपर हो जाती है। और सारा का सारा काम भाई इसके अंदर कपलर टू कपलर मिलेगा आपको, ये अभी बूट में देख सकते हो, जो कि लाइटिंग वगैरह लग रही है ना बूट में, तो उसके लिए अपना कपलर दे रखा है यहाँ पे। और ऐसा कोई नहीं वायर कटिंग वगैरह कुछ नहीं, और इसकी अभी एक बूट लाइट लगी है। ये देखो भाई, ये अपनी बूट लैंप लगा दी एलईडी के अंदर आती है, जो कि क्या तगड़ी लग रही है। और उसके बाद ना भाई स्टेयरिंग रैप भी ना एक बड़ा ही प्रीमियम सी वो बोल सकते हो आप एसेसरीज या फिर अपने मॉडिफिकेशन, क्योंकि इससे ना भाई कितनी ही हैंडलिंग अपनी अच्छी हो जाती है, हाथ फिसलते नहीं है, और पूरा का पूरा लेदर राइट के साथ यूज़ होता है, जो कि अपना स्टेयरिंग रैप होता है। इस पर पहले गम वगैरह लगाते हैं, उसके बाद अपने को स्टेयरिंग को लगा देते हैं, जैसा भाई बताने लग रहा है अभी, है ना। उसके बाद जो मैं अभी इसकी तारीफ करे जा रहा हूँ ना भाई, इसकी ब्रेजा के अंदर ये लगा है वो लगा है, तो आप दिखा दो आपको उसको पूरा का पूरा ऑन करके। और अब लगाई भाई मैंने इसके अंदर की और ये करी ऑन, तो ये देखो भाई कितनी प्रीमियमनेस फील होती है इसके अंदर। एमबीएस लाइट ऑन होने के बाद तो भाई गाड़ी के अंदर मामला ही अलग हो जाता है पूरा का पूरा। और भाई स्टीयरिंग रैप भी देख सकते हैं, पूरा ये रैप हुआ था जिसके अंदर भाई पूरी की पूरी बढ़िया फिनिश आ गई है ना। उसके बाद ये देखो भाई, ये पूरा इंटीरियर की लुक है ब्रेजा की। इसके अंदर भाई कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो आप, जोन सा चाहो ना वोन सा कलर लगा सकते हो, 7-8 कलर आते हैं इसके अंदर। ये चारों डोरों में लग जाती है, अपनी डैशबोर्ड में लग जाती है, और फिरी मतलब पीछे वाला जो बंदा बैठेगा ना वो भी कहेगा भाई तुम्हारी गाड़ी का इंटीरियर तो बड़ा प्रीमियम सा लग रहा है। उसके बाद भाई इसके अंदर टॉप मॉडल वाला आर्मरेस्ट इंस्टॉल हुआ है मारुति सुजुकी का, जेन्युइन आता है जो कि ZXi में। और ये देखो भाई पूरा इसमें राइट साइड वाले डोर पे भी अपनी स्किप प्लेट से लेके एमबीएस लाइट से लेके
ऑटो फोल्डिंग, ORVM से लेके सारी एसेसरीज लगी है इसके अंदर। और सबसे मेन चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं, जो सबसे ज्यादा कंफर्ट फील कराते हैं वो है भाई सीट कवर। बकेट फिटिंग के साथ आते हैं और इनकी क्वालिटी और लुक काफी बढ़िया निकल के आते हैं, पूरे डैशबोर्ड से मैच करती है भाई। और जैसा कि अपना ये ब्रेजा का ना VXI वेरिएंट है, तो इसमें रियर एसी इवेंट भी नहीं आते, तो भाई ये वाले पूरे के पूरे रियर एसी इवेंट इंस्टॉल करे हैं, जिसके अंदर चार्जिंग के पोर्ट भी मिल जाते हैं अपने को और चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं USB पोर्ट। और एक ये है भाई अपना मेन काम जो कि हर बंदे को कराना ही चाहिए, वो है भाई फ्लोरिंग। फ्लोरिंग से भाई इतना फायदा होता है ना, अगर कुछ सामान गिर जाए, लिक्विड या फिर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होती, कारपेट सेफ रहता है। और ये जो OEM कैमरा देख रहे हो ना भाई, इसकी पूरी जेन्युइन है ये मारुति का। इसकी क्वालिटी देखो भाई, सबसे पहले ये देखो रिवर्स गियर लगाया भाई, कितनी तगड़ी क्वालिटी दे रहा है ये, फुल HD क्वालिटी। और अब भाई कई भाइयों को दिक्कत होती है कि वो शॉप पे आके ना अपना मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते, तो यहाँ से ना भाई आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, जो कि अपने पूरे के पूरे मारुति के पार्ट होते हैं जेन्युइन। देखो डब्बों पे भी देख सकते हो मारुति जेन्युइन लिखा होगा सारे पे, तो यही पहचान होती है भाई एक इसकी। और सारी एसेसरीज अवेलेबल है, मारुति की ब्रेजा ले आओ, कोई सी भी ले आओ, स्पीकर सिस्टम, एंड्रॉयड स्टीरियो या फिर अपना बेस ट्यूब, MBS लाइट, कोई छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक पूरी दुकान भरी पड़ी है मारुति सुजुकी की। और इसके लिए आना है आप, आपको सिल्वर स्टार पे, नंबर भी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश चल रहा है। और ये जो भाई रिफ्लेक्टर लगे थे ना, ये वाले थे, पहले नॉर्मल आते थे, पर ये वाले इंस्टॉल करके लगा दिए, जो कि लाइट वाले आपको दिखाया भी था मैंने स्टार्टिंग में। और पीछे से भाई अपना पूरा इस टाइप का इंटीरियर नज़र आता है। अब आपको इसकी सारी की सारी LED लाइट वगैरह दिखाता हूँ जरा। ये वाली LED लाइट है भाई कार्डी कंपनी की है, जो वारंटी के साथ आती है पूरी। अब देखो इनका थ्रो, ये करी भाई ऑन, ये हाई बीम, ये लो बीम अपनी, और डिपर मारने में भी क्या स्वाद आएगा भाई तगड़ा सा। अभी आपके सामने रोशनी है तब भी इतनी रोशनी कर रही है, और पीछे की साइड से अपने रिफ्लेक्टर वगैरह इंस्टॉल करे थे, ये पूरी लुक निकल के आती है भाई ब्रेजा की, स्पोर्टी तो लगती है। शार्क फिन एंटीना भी इंस्टॉल करा है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया नहीं। ये कुछ इस टाइप से वर्क करते हैं अपने रेयर रिफ्लेक्टर। अभी 1000 चला रखा है तो दोनों चल रहे हैं, अगर एक साइड का इंडिकेटर देंगे तो एक साइड का चलेगा, और मैट्रिक्स वाले हैं। तो भाई अब चलते हैं मेन ब्रेजा के ओनर के पास और उनसे पूछते काम कैसा लगा। ये है भाई कार के ओनर जो कि J&K से आया है, और अब बताओ आपको काम कैसा लगा सिल्वर स्टार का अपनी ब्रेजा का। बहुत बढ़िया लगा सिल्वर स्टार का काम आपका। हम पहले भी आपके पास आज से 15 दिन पहले आपके पास आए थे, हमने एक गाड़ी का पहले भी काम करवाया था आपके पास, अच्छा काम किया था आप लोगों ने, इसलिए हम दूसरी ब्रेजा दोबारा आपके पास लेके आए हैं। अच्छे प्राइस है आपके, जेन्युइन काम किया आप लोगों ने, काम जेन्युइन हो जाएगा बस, जेन्युइन काम हो गया। अभी और भी कोई मेरे को बोलेगा आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर आपको, फुल नंबर है। और आप किसी को रिकमेंड करेंगे? रिकमेंड पक्का बताएंगे जाके, हम दूसरी कोई गाड़ी लेनी होगी किसी ने। तो भाई ये देखो, ये सारी मॉडिफिकेशन आपको मैंने करके दिखा दी ब्रेजा के अंदर, जो जो सामान था सारा दिखाया आपको, जो भी लगा है। तो यार यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, ताकि आपको पता लग सके आप ब्रेजा के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हो। और भाई बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे आपको यहाँ पर मिलेगा सारा का सारा सामान, अगर आप आते हो लेने के लिए सिल्वर स्टार पे। उसके बाद भाई एक बार लुक चेकआउट कर लो, पूरी अपनी साइड से इस टाइप की लुक आ जाती है पूरी, मतलब ठीक लगती है गाड़ी। तो यही थी भाई मेरी छोटी सी वीडियो, अगर आपको पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।